शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन 1551 कुंवारी कन्याओं के साथ जलभूझी यात्रा संपन्न। गाजे बाजे और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई यात्रा। पश्चिमी चंपारण के लौरिया प्रखंड स्थित गांव विशनपुरवा धरबा और बसपरिया में गुरुवार से शारदीय नवरात्र शुरू होने पर लौरिया प्रखंड के अंतर्गत ग्राम विशनपुरवा धरबा खेल मैदान और बसवरिया में दुर्गा मंदिर परिसर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग दोनों जगह से 1551 कुंवारी कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ जल बुझी के लिए विशनपुरवा ढरवा और बसवरिया देवी मंदिर से लौरिया स्थित सिकरहना नदी से जल बोझ यात्रा में शामिल हुई। जल बुझी के लिए सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं व पुरुष पहुंचे। वही विशनपुरवा ढरवा जिसमें आचार्य आनंद चौबे द्वारा विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा पूजन कर 1551 कुमारी कन्याओं ने कलश में जल बोझ कर मंदिर परिसर लाई। वहां जहां जल को पूजा मंडल में विधि पूर्वक स्थापित किया गया। इधर मां दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मुकेश कुशवाहा, सचिव विकास चौधरी, कोषाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि दुर्गा मंदिर के परिसर में 21 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर समस्त ग्रामीणों के सहयोग से पूजा अर्चना होते आ रहा है, जिसमें मुखिया कन्हैया कुशवाहा और ग्रामीणों के अलावा स्थानीय नवयुवकों का भी काफ़ी सराहनीय योगदान रहता है। इधर बसवरिया से मौके पर मुखिया शैलेश कुमार, प्रदीप कुशवाहा, धुनिंद्र अमरजीत राणा, अभेश रंजीत, परवीन राजाराम के साथ अन्य सदस्यों के साथ पूजा में शामिल रहे। वहीं विशनपुरवा ढरबा से अमित कुमार, आलोक कुमार, अर्जुन, अनुज, रंजीत, कपिल बैठा, रविंद्र यादव, मनीष, युवराज, चंदन, राजन सहित यजमान मिश्री यादव अपने पत्नी गोदावरी देवी के साथ अन्य सदस्यों के साथ पूजा में शामिल रहे। ये सन 2004 से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं और ये निरंतर ये 21 वर्ष हो गया। हम लोग आशा है, विश्वास है कि गांव का सहयोग और प्यार दुलार से हम लोग आगे भी करेंगे। और हम लोग का मूर्तिकार जो है समस्तीपुर से बुलाए हुए हैं और यथाशक्ति जो भी हम लोग को गांव सहयोग करती है, बाहरी चंदा भी हमें मिलती है और मेरी पूजा समिति जो भी है वही पूरा एक्टिव रह करके पूजा करती है और करती रहेगी। कन्हैया प्रसाद सिसोनिया पंचायत का मुखिया और हम विशनपुरवा के ही निवासी हैं। हम लोग 21 वर्षों से लगातार पूजा करते आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम ये है, फिर करेंगे, हो भी रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। हमारा हम सभी लोगों का प्रयास रहेगा कि इससे बढ़कर अगला साल भी इससे और अच्छा किया जाए, मैंने हर साल कुछ ना कुछ हम लोग बदलाव करते रहते हैं। पंडित आचार्य आनंद चौबे, घर वारी थाना शिकारपुर, जिला पश्चिमी चंपारण। यहाँ जो है ढरवा विशनपुरवा गांव में मैं 21 साल से जो है पूजन पाठ कर रहा हूँ। यह 21वां साल जो है सोहा कलश यात्रा हम लोग सफल किए हुए हैं। आज माँ का पूजन आराधना जो है किया जाएगा। विशेष बात यह है कि शारदीय नवरात्र क्यों किया जाता है, यह दो पक्षों का मिलन होता है, इसलिए इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। माँ से मेरा प्रार्थना है कि हर वर्ष की भांति इस साल भी और अगले साल भी के लिए हम लोग अपना कार्यक्रम करते रहें और करते रहें।